दोस्तों गूगल एडसन की एप्लीकेशन बंद होने वाली है या बंद हो गई है। अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल है और जो लगता है कि आपको अभी पता नहीं है, और ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गूगल एडसन की एप्लीकेशन बंद हुई है या नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि यहाँ पर जो गूगल एडसन की एप्लीकेशन है वो गूगल एडसन की तरफ से बंद कर दी गई है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर है या आईओएस यूजर है तो आपको पता होना चाहिए कि जो गूगल एडसन की एप्लीकेशन है वो अब बंद हो गई है। अगर आप उसे गूगल प्ले पर सर्च करते हैं एडसन के नाम से तो आप वहां पर देखेंगे कि आपको कोई एडसन के नाम से एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हो या आईओएस यूजर हो, जिस भी आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस नाम से एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है एडसन की वो बंद हो गई है। यह गूगल एडसन की तरफ से 2019 में ही बताया गया था कि ये एप्लीकेशन बंद होने वाली है, किसी कारण से उस समय बंद नहीं हो पाई थी जो कि अभी बंद हो गई है। और आप सोच रहे हैं हमारे पास जो मोबाइल है उसमें तो एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बता दूं जो एप्लीकेशन आपने पहले से डाउनलोड कर रखी है तो अभी वो वर्क करेगी, पर उसका अभी पता नहीं है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन भाई कुछ लिमिट तक ही काम कर पाएगी और जो कि एप्लीकेशन आपने पहले से यूज कर रहे हैं। और साथ ही फ्रेंड आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब जब गूगल एडसन की एप्लीकेशन बंद हो गई है तो आप किस तरह से अपनी जो अर्निंग वगैरह देखते थे अपने ऐप पर मोबाइल में तो आप वो कैसे देख पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन बंद तो हो गई है लेकिन आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। फ्रेंड जिसे आप अपने कंप्यूटर पर खोल सकते हैं वेब एप्लीकेशन को और वहां पर आप जो नॉर्मली डाटा है अपना देख पाएंगे। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और नए लोग जुड़ने वाले हैं तो आप इसी तरह से ही अपने डाटा को देख सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर अवेलेबल ही नहीं जिसे आप यूज कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड यहाँ पर गूगल एडसन की तरफ से जो वेब एप्लीकेशन है वहां पर आपको कुछ एडवांस फीचर देने वाला है, वो चाहता है कि आप वहां पर आए अपने वेब एप्लीकेशन पे गूगल एडसन के और वहां पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, तो आपको वहां पर नए नए फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि भविष्य में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अभी पता नहीं है, टाइम लग सकता है, गूगल एडसन के ही ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन में चेंजेस मिलेंगे देखने के लिए वो बहुत ही अच्छे होंगे जो कि आपको मोबाइल के मुताबिक उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी गूगल एडसन की इनकम है वो बंद हो गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जब आप वेब एप्लीकेशन पर रहेंगे तो आपकी जो गूगल एडसन की जो इनकम है वो भी आती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में अभी जो यूट्यूब वगैरह की पेमेंट है वो आ चुकी है और अभी तक गूगल एडसन ने किसी की पेमेंट नहीं रोकी है, तो आपकी भी अभी नहीं रुकेगी, एप्लीकेशन बंद हुई है। बाकी आपका गूगल एडसन का अकाउंट बंद हुआ है तो आपका अकाउंट हमेशा चालू रहेगा, और अभी जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कत आई है, अभी स्लो स्पीड हो गई है जो वर्क हो रहा है। अगर आप मोनेटाइजेशन की बात करें यहाँ पर आपने अगर अप्लाई कर दिया है तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। साथ ही अगर फ्रेंड अगर आपको गूगल एडसन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर गूगल एडसन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि आपको मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर गूगल एडसन का यही अपडेट था जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपकी गूगल एडसन की जो एप्लीकेशन ही बंद हुई है, अकाउंट जहाँ पर आपका अकाउंट जारी रहेगा और जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे अपने कंप्यूटर के जरिए। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।